वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और करंटली मैं हूँ हांगकांग चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने, जिसकी लोकेशन है पेशावर में सदर में, पेशावर सदर में जो CMH है उसके बिल्कुल सामने आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। और ये लंच टाइम से ओपन होता है रात को 10 o'clock तक। चलें अब अंदर जाते हैं। इनकी जो एम्बियंस की मैं बात करूँ वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है वीकेंड्स में, और विंटर्स में तो एक्सट्रीम लेवल का रश होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको इनकी थोड़ी बहुत डेकोर दिखाती हूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा रश था तो मैं ढेर सारी टेबल्स की वीडियो नहीं बना सकती थी। मेन्यू हमारे सामने आ गया और अब हम जो है ना आपको दिखाते हैं इनका मेन्यू। इनके मेन्यू में बहुत सारी आइटम्स हैं, लेकिन इनका जो सबसे बेस्ट आइटम है वो है यहाँ के सूप। और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट सूप मिलते हैं। और आज हम यहाँ पीने आए हैं सूप, और मैं आपको बताऊँगी कि दी बेस्ट सूप जो है वो इनका कौन सा है और हमने कौन सा ऑर्डर किया। इसके अलावा यहाँ पे स्टेक भी मिलता है। मैं आपको यहाँ का स्टेक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे इनके बीफ चिली ड्राई और चाइनीज़ राइस और नूडल्स ये सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होते हैं। हमने अपना सूप ऑर्डर कर दिया है और हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं। हमने इनका सूप ऑर्डर कर दिया है। ये जो है ना इनका किचन है और यहाँ पे जो है सर्व होता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बयान का जो है वो पेशावर का पानी का ब्रांड है और इट इज़ मोर गुड देन नेस्ले, तो डू ट्राई इट। हमारा ऑर्डर आ गया। हमने ऑर्डर किया था इनका चिकन कोरिएंडर सूप, और इसके अलावा हमने साथ में थोड़े से पनीर ऑर्डर किए थे अलग से, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है सूप में पनीर, जो कि हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे अपने लिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक और सूप ऐड किया था, लेकिन उससे पहले इसको हम डालते हैं अपने बाउल में। कोरिएंडर सूप में आपको बहुत बड़े बड़े चंक्स मिलेंगे चिकन के, और इसके अलावा आपको कोरिएंडर मिलेगा, एग मिलेगा, और एक्सट्रीम बेस्ट टेस्ट आपको इस सूप में मिलेगा। और ये हमारा मोस्ट फेवरेट सूप है। मुझे पेशावर में जो दी बेस्ट सूप लगता है वो यहीं का लगता है। मैं इसके अलावा और कहीं से भी सूप नहीं पीती, और पेशावर में हम लोग ये पी रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, तो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। पहले ये बहुत छोटा सा होता था, बहुत बड़ा हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने ऑर्डर किया था इनका हॉट एंड सॉर स्पेशल हांगकांग रेस्टोरेंट सूप, जो कि बहुत 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 ज़्यादा रिच इन फ्लेवर है। इसमें आपके पास जो है ना डिफरेंट टाइप के मशरूम्स भी आ जाते हैं, और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स आ जाती हैं, चिकन के बड़े बड़े पीसेस आते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। अगर इसमें आप इवन सॉसेस ना भी डालें तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत ही हैवी है, आपको एक फुलनेस का एहसास देता है जब आप इसको खाते हैं। मुझे थोड़े स्पाइसेस पसंद है तो इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो सूप है वो इतना गर्म गर्म आपको सर्व करते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे इतनी रश होती है जब भी रेन होती है, जब भी वीकेंड्स होते हैं और विंटर्स में, और इनका वेटिंग एरिया बना हुआ है, वहाँ पे लोग वेट करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, और फिर यहाँ पे बैठ के जो है ना ये लोग इन्जॉय करते हैं। इनके जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत ही इकनॉमिकल हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही बेस्ट है। यहाँ की लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ पेशावर है। तो ये बहुत पुराना था, ये ना छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, और अब माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा हो गया है और भी अच्छा सा रेनोवेट हो गया है। चलें जी, मैं अपना सूप करती हूँ इन्जॉय, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनका वेटिंग एरिया। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना गपशप कर रही थी और उनके साथ ये सूप इन्जॉय कर रही थी, और हम लोगों ने इसको माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया। ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारी प्लेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने फिनिश कर लिया। अब जो है ना मैं आपको इनका वेटिंग एरिया दिखाती हूँ, जो कि ये है। ये बिल्कुल आप जब इंटर होते हैं ना तो आपको काउंटर मिलता है, और काउंटर के साथ ही इनका वेटिंग एरिया है।
यहाँ पे आपको बहुत अच्छी पार्किंग मिल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कैंट में आता है, सदर और कैंट के बिटवीन में आता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।